हाय फ्रेंड, मैं प्रियंका, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल प्रियंका स्टाइल कॉर्नर में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो चिकनकारी कुर्तियों एंड कुर्ता सेट के हॉल पे होने वाली है। बहुत ही प्यारी प्यारी चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी वर्क की कुर्तियाँ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एंड कुछ कुर्ता सेट भी शेयर करूँगी। एंड साथ ही बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। जो स्टार्टिंग रेंज है वो 280 है एंड जो अपर रेंज है आई थिंक 680 गई है। तो इसी के बीच में आपको सारी कुर्तियाँ एंड कुर्ता सेट देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, दिखाती हूँ कि आज के कलेक्शन में क्या क्या लेके आई हूँ एंड प्राइस के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिटी कैसी है। एंड इन सारी कुर्तियों को आप किसी भी पार्टी में, फेस्टिवल में या कैजुअल वियर के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत एंड समर को ध्यान में रख के बहुत ही प्यारे प्यारे कलर मैंने पिक किए हैं। एंड सारी कुर्तियों के बारे में ऑनेस्टली डिटेल में एक एक पॉइंट मैं बताऊंगी, ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको ये कुर्तियाँ या कुर्ता सेट बाय करने चाहिए कि नहीं। तो चलिए मैं बहुत ही ज़्यादा बातें कर रही हूँ, जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बहुत ही प्यारी सी लेवेंडर कलर में कुर्ती दिखाने वाली हूँ। ये सिर्फ कुर्ती है, कोई भी ट्राउजर या चुन्नी नहीं है। मुझे 498 में मिली थी, कॉटन ब्लेंड का फैब्रिक है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। समर में आप इस कुर्ती को इजीली स्टाइल कर सकते हैं। इसका कलर भी एकदम समर के हिसाब से है, सूथिंग सा प्यारा सा। इस तरह से आपको इसमें राउंड नेक मिलेगा, छोटा सा की होल मिलेगा एंड योग पे आप देखिए आपको बहुत ही खूबसूरत सी हैंड एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग मिलेगी। आप पास से देखिए, बहुत ही प्यारा सा इन्होंने नेक पे पैटर्न दिया है एंड लेंथ दिखे कितनी ज़्यादा रखी है, तो स्टाइल करने पे काफ़ी खूबसूरत लगेगा। फिनिशिंग की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एक भी थ्रेड कहीं से नहीं निकला है। आप एक बार पूरी डिटेलिंग पास से देखिए, इसका योग पैटर्न बहुत ही प्यारा है। इसके बाद पूरी कुर्ती पे आपको इस तरह से छोटी छोटी बूटी वाली डिटेलिंग मिलेगी, ये भी पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क है आप देखिए। एंड लास्ट इन पे बॉर्डर पे देखिए, बॉर्डर भी इन्होंने काफ़ी खूबसूरत प्रोवाइड किया। इस तरह से आपको हैंड एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलेगा, दोनों साइड में आपको अच्छा खासा स्लिट मिलेगा एंड जहाँ पे स्लिट है वहाँ पे भी आप देखिए इस तरह से आपको दोनों साइड वर्क मिलेगा। तो मैं एक बार पूरी कुर्ती का लुक दिखाती हूँ। आप देखिए इस तरह से नेक पैटर्न, देन पूरी कुर्ती पे ये स्लिट पे दोनों साइड देखिए एंड लास्ट एंड पे बॉर्डर पे, बहुत ही प्यारी कुर्ती है। 3/4 लेंथ की स्लीव है, स्लीव के लास्ट एंड पे अगेन आपको आगे पीछे ये हैंड एम्ब्रॉयडरी मिलेगी। फिनिशिंग जो दी है ना वो तो मतलब इस प्राइस में 498 के अकॉर्डिंग इन्होंने काफ़ी अच्छी रखी है, मतलब कहीं से भी एक थ्रेड नहीं निकल रहा है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट कुर्ती नहीं है। मैं अंदर की साइड से भी इसका वर्क दिखाती हूँ, बिल्कुल भी मैसी नहीं है, तो बहुत ही अच्छा वर्क दिया है। बैक साइड से आप देखिए पूरी कुर्ती प्लेन है। इस कुर्ती को आप व्हाइट कलर के ट्राउजर, प्लाजो, जैगिंग, लेगिंग किसी के साथ भी स्टाइल करेंगे, बहुत ही प्यारा लुक देगी। आप इसे डेली वेयर के लिए, कैजुअल वेयर के लिए या अच्छे से एक्सेसराइज करके छोटे मोटे फंक्शन में भी स्टाइल कर सकते हैं। आप क्लिप में देख ही सकते हैं कि स्टाइल करने पर कैसा लुक दे रहा है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट है। ये कुर्ती पसंद आता है तो जरूर बाय कीजिए। बहुत ही खूबसूरत सी अनारकली कुर्ती दिखाने वाली हूँ। इसमें आपको दो या तीन कलर के ऑप्शन मिलेंगे। मैंने ये आप कह सकते हैं पिकॉक ब्लू कलर है या थोड़ा सा टील ग्रीन, आप देखिए इस कलर में इसे बाय किया। इसमें आई थिंक आपको ब्लैक ब्लू का भी ऑप्शन मिलेगा। ये मुझे आई थिंक 698 में मिला था एंड इसका जो फैब्रिक है जॉर्जेट का है, बट अगेन बहुत ही प्यारी ये कुर्ती है। आप देखिए इस तरह से आपको राउंड नेक मिलेगा। इस पूरी कुर्ती में आपको हैवी वर्क मिलने वाला है, तो किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए भी ये कुर्ती मस्ट, मतलब बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस तरह देखिए आपको नेक पे पैटर्न मिलेगा, पूरा चिकनकारी वर्क मिलेगा आपको हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला। फिनिशिंग आप देखिए काफ़ी अच्छी रखी, अगेन बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग के साथ है, कहीं से भी एक भी थ्रेड निकला नहीं है या मैसी नहीं है, तो फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी रखी है। एंड इस तरह से इन्होंने अंगरखा वाला पैटर्न बनाया, बट ये सिर्फ शो के लिए ओपन नहीं होगा, पूरा देखिए आपको अंगरखा वाला पैटर्न मिलेगा। एंड यहाँ पे इस तरह से इन्होंने डोरी दी है, 4 डोरी इन्होंने दी है एंड लास्ट इन पे इस तरह से टैसल लटका है, यहाँ पे आप टाई अप कर सकते हैं। तो ये सिर्फ शो के लिए है, ये मतलब यहाँ से ओपन नहीं होगा, बट इसकी वजह से कुर्ती का लुक एकदम बहुत ही प्यारा है, एकदम अंगरखा पैटर्न में आएगा। आप देखिए पूरा ये जो पैटर्न है ना, ये वाला, ये पूरा आपको नीचे तक मिल रहा है, तो एकदम ऐसा लग रहा है कि वो जो रैप वाली कुर्ती होती है ना उस तरह से। उसके बाद पूरी कुर्ती में आपको इस तरह से लाइनिंग वाली डिटेलिंग मिलेगी, फ्लावर एंड इस तरह से पूरा थ्रेड वर्क मिलेगा। मैं पूरा नीचे तक दिखा रही हूँ आप देखिए। एंड लास्ट इन पे बहुत ही प्यारा सा इन्होंने हैवी बॉर्डर प्रोवाइड किया है। इस तरह से फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब मैं कई बार ये बात रिपीट कर रही हूँ, ट्रस्ट मी गाइस, फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, कहीं से भी कोई थ्रेड नहीं निकला। पूरी कुर्ती में आपको पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी भरा हुआ वर्क मिलेगा एंड बैक साइड भी देखिए, बैक साइड ऐसा नहीं है कि प्लेन है, बैक साइड भी देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक आपको ये वर्क मिलने वाला है एंड अगेन बॉर्डर पे आपको ये डिटेलिंग मिलने वाली है। स्लिप की बात करूँ, 3/4 लेंथ की स्लिप है, स्लिप पे भी आप देखिए
पूरा इस तरह से वर्क मिलेगा आगे पीछे दोनों साइड में। इस कुर्ती, ये कुर्ती अनारकली कुर्ती है तो स्लिप तो नहीं मिलेगा। एंड घेरे की बात करूँ तो घेरा भी देखिए इतना आपको मिल रहा है लगभग 1 मीटर, तो प्राइस के अकॉर्डिंग इन्होंने घेरा भी काफ़ी अच्छा रखा है। इस कुर्ती में इन्होंने लाइनिंग तो प्रोवाइड की है इनर, बट इनर पूरा फुल लेंथ तक नहीं प्रोवाइड है। इनर मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर की साइड से, इन्होंने बस यहाँ तक, जहाँ तक ये वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ तक प्रोवाइड किया। मैं आपको एक बार अंदर की साइड से दिखा देती हूँ, आप देखिए बस यहाँ तक, जहाँ तक आपका मतलब यहाँ तक आपको इनर मिलेगा, उसके बाद ये कुर्ती थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होने वाली है क्योंकि उसके बाद इनर नहीं लगा है। आप क्लिप में देख सकते हैं कि ये कुर्ती स्टाइल करने पे कैसा लुक दे रही है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही प्यारा लुक निकल के आ रहा है। अच्छे से एक्सेसराइज करके किसी भी पार्टी में, फंक्शन में, फेस्टिवल में स्टाइल कर सकते हैं, या ऐसे भी छोटी मोटी पार्टी है, ऑफिस में भी आप इस कुर्ती को स्टाइल कर सकती हैं। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली टोटली वर्थ इट है। जॉर्जेट का फैब्रिक है तो समर में हो सकता है कुछ लोग को दिक्कत हो, बट मुझे लगता है अगर आप कॉटन की लाइनिंग अंदर डाल के इसे पहनेंगे तो बिल्कुल भी डिस्कम्फर्टेबल फील नहीं होगा। एंड स्टाइल करने पर नो डाउट बहुत ही प्यारा लुक निकल के आ रहा है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ये कुर्ती बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। अगर पसंद आता है तो मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है। मैं आपको एक कुर्ता सेट दिखाने वाली हूँ एंड आज के कलेक्शन में सबसे हाई रेंज का यही है, कुर्ता एंड प्लाजो आपको मिलेगा। तो इसमें भी आई थिंक आपको कलर के ऑप्शन मिलेंगे, मैंने इसे लाइट ग्रीन कलर में बाई किया है। तो सबसे पहले मैं आपको उसका कुर्ता दिखाती हूँ। अगेन जॉर्जेट का फैब्रिक है, सॉफ्ट जॉर्जेट का फैब्रिक है। ये 823 में मुझे पूरा कलेक्शन मिला था, तो प्राइस के अकॉर्डिंग इन्होंने फैब्रिक काफ़ी अच्छा रखा है, सॉफ्ट जॉर्जेट का फैब्रिक है। इस तरह से आपको चाइनीज कॉलर वाला नेक मिलेगा, अब देखिए यहाँ पे छोटा सा की होल है। योग पे आपको इस तरह से कपड़े के बीट्स की डिटेलिंग मिलेगी, ये ओपन नहीं होता सिर्फ शो के लिए, ये पूरा बीट्स की डिटेलिंग है। ये वाली डिटेलिंग पूरा आपको नीचे तक मिलेगी क्योंकि इस कुर्ती में मिडिल में आपको स्लेट मिलेगा। इस पूरी कुर्ती में आपको कुछ इस तरह से चिकनकारी वर्क मिलेगा, आप देखिए पूरा वो जो लखनऊ चिकनकारी वाला वर्क होता है ना, वो वाला वर्क आपको इस कुर्ती में मिलेगा। योग पे आप देखिए, मिडिल पे आप देखिए, इन्होंने पूरा कपड़े का बीट्स लगाया एंड दोनों साइड पूरा इस तरह से आपको चिकनकारी वर्क मिलेगा। एंड साइड में भी छोटी छोटी आपको चिकनकारी वर्क की बूटियाँ मिलेगी। तो पूरा ऊपर से नीचे तक आपको ये वर्क मिलने वाला है। फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अच्छी रखी है, कहीं से भी कोई थ्रेड नहीं निकल रहा है, मतलब बहुत ही अच्छी है। एंड जहाँ पे स्लिप प्रोवाइड किया वहाँ पे भी देखिए आपको इस तरह से वर्क मिलेगा। इस कुर्ती में मिडिल में भी आपको हल्का सा स्लिट मिलेगा, लास्ट इन पे जाके आप देखिए मिडिल में भी आपको हल्का सा स्लिट मिल रहा है एंड दोनों साइड में भी आपको अच्छा खासा स्लिट मिल जाएगा। स्लिप की बात करूँ तो 3/4 लेंथ की स्लिप है। स्लिप पे भी आप देखिए पूरा आपको इस तरह से चिकनकारी वर्क मिलेगा, बॉर्डर पे भी आगे पीछे दोनों साइड ये वर्क है। बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड भी आप देखिए पूरी कुर्ती पे इन्होंने छोटी छोटी चिकनकारी वर्क की बूटियाँ बनाई हैं। इस कुर्ती का कलर एंड वर्क दोनों बहुत ही प्यारा है। चूंकि इस कुर्ती के अंदर इन्होंने कोई भी इनर नहीं लगाया है, ट्रांसपेरेंट है, तो इस कुर्ती के साथ इन्होंने इनर भी प्रोवाइड किया है जिसे अभी तक मैंने ओपन नहीं किया है, तो आपके सामने इसे फर्स्ट टाइम ओपन कर लूँ। सेम कलर में आपको देखिए इनर मिलेगा, कलर में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो इनर इन्होंने प्रोवाइड किया है तो कॉटन के फैब्रिक में है, तो आप समर में भी विदाउट एनी हेजिटेशन इस कुर्ती को आराम से स्टाइल कर सकते हैं, बिल्कुल भी डिस्कम्फर्टेबल फील नहीं होगा। आप देखिए पूरा आपको अच्छे खासी लेंथ का ये लाइनिंग मिल रही है, वो भी कॉटन के फैब्रिक में, तो स्टाइल करने पे एकदम कंफर्टेबल फील होगा एंड बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगी ये कुर्ती। इसका प्लाजो देख लेते हैं। प्लाजो आपको प्योर वाइट कलर में एंड कॉटन के फैब्रिक में मिल रहा है एंड फैब्रिक थोड़ा बहुत स्ट्रेचेबल भी है, तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी है एंड प्लाजो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। वेस्ट पे आपको इलास्टिक का पैटर्न मिलेगा आगे पीछे दोनों साइड में, यहाँ पे इन्होंने डोरी भी प्रोवाइड की है। पूरा सिंपल सा प्लेन प्लाजो है एंड लास्ट इन पे आपको बहुत ही खूबसूरत सा अगेन चिकनकारी वर्क मिलेगा। वाइट पे वाइट कलर का ही वर्क है तो मे बी उतना कैमरे में क्लियर नहीं आ रहा है, बट मैं आपको फिर भी पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखिए वाइट पे पूरा आपको वाइट चिकनकारी वर्क मिलेगा आगे पीछे दोनों साइड में। अगेन इसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी रखी है एंड लास्ट इन की विथ आपको इतनी मिल रही है। तो आप क्लिप में देख सकते हैं कि ये पूरा कुर्ता सेट स्टाइल करने पे कैसा लुक दे रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसे भी आप अच्छे से एक्सेसराइज करके किसी भी पार्टी में, किसी भी फेस्टिवल में स्टाइल कर सकते हैं। चूंकि अंदर इन्होंने कॉटन का इनर प्रोवाइड किया है एंड इसका जो कलर है वो भी एकदम समर के हिसाब से परफेक्ट है, तो आप इस कुर्ता सेट को समर में भी इजीली स्टाइल कर सकते हैं। तो अगेन 823 के अकॉर्डिंग मुझे इस कुर्ता सेट की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब इतने सस्ते में बहुत ही अच्छा इन्होंने चिकनकारी कुर्ता सेट प्रोवाइड किया है, तो पसंद आता है तो हाईली रिकमेंडेड है। जो कुर्ती दिखाने वाली हूँ, सिर्फ कुर्ती है, कोई भी मतलब इसके साथ प्लाजो एंड ट्राउजर नहीं मिलेगा,
ये ब्लैक कलर में मैंने बाय किया है एंड ये भी अगेन बहुत ही खूबसूरत है। आप इसका फर्स्ट लुक ही देख लीजिए, बहुत ही प्यारी कुर्ती है। अगेन ये जॉर्जेट के फैब्रिक में होने वाली है, सॉफ्ट जॉर्जेट का फैब्रिक है, बट प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी इन्होंने काफ़ी अच्छी रखी है। एंड इस कुर्ती को मैंने आपके सामने ही पहली बार ओपन किया, मतलब इसका पैकेट तो ओपन कर लिया था बट आपके सामने पहली बार पूरा ओपन किया एंड मुझे थोड़ा सा डिफेक्टिव पीस दिख गया कि स्लिप पे, आई थिंक आपको दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए पूरे कपड़े में कहीं कहीं होल हो गया, मतलब कपड़ा जैसे कहते हैं ना मसक गया, थोड़ा सा खींचूंगी तो फट जाएगा। तो कपड़े की क्वालिटी आई डोंट नो ये कैसे हो गया है, तो कपड़े की ऐसा लग रहा है जैसे किसी पिन से चुभ गया है, मतलब पिन की वजह से या किसी चीज़ में चुभ गया है, किसी चीज़ में फंस के इसका थ्रेड धागा जो कपड़ा खिंच जाता है ना उस तरह हो गया है। तो ये मुझे थोड़ा सा डिफेक्टिव पीस रिसीव हुआ, कोई नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे डिफेक्टिव पीस रिसीव हुआ तो सबको रिसीव होगा। जॉर्जेट का फैब्रिक है, अगेन मैं बता रही हूँ 628 में शायद ये मुझे कुर्ती मिली थी, तो प्राइस अकॉर्डिंग अच्छी है क्योंकि इन्होंने पूरा हैवी वर्क प्रोवाइड किया है। इस तरह से राउंड नेक मिलेगा, छोटा सा की होल है एंड पूरी कुर्ती पे आपको मल्टीपल कलर में आप देखिए इस तरह से पूरा हैवी थ्रेड वर्क मिलेगा, चिकनकारी वर्क, रेड ग्रीन येलो ऑरेंज कलर का यूज किया गया, तो काफ़ी वाइब्रेंट एंड बोल्ड कलर यूज किए हैं, समर के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं एंड स्पेशली ब्लैक कलर पे है तो सारे कलर बहुत ही अच्छे से निकल के आ रहे हैं। आप देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक आपको ये हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा, फिनिशिंग अगेन बहुत ही अच्छी है, एक दो जगह से हल्के हल्के से थ्रेड निकल रहे हैं बट आप अगर उसे सीजर से कट कर लेंगे तो फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आपको अच्छा खासा स्लिट मिल जाएगा, 3/4 लेंथ की स्लीव है, स्लीव पे भी आप देखें पूरा आपको इस तरह से वर्क मिलेगा आगे पीछे दोनों साइड में। बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड भी आप देख सकते हैं, पूरी कुर्ती पे आपको ये छोटी छोटी बूटियों वाली डिटेलिंग मिलेगी। अगेन चूंकि ये कुर्ती ट्रांसपेरेंट है तो इसके साथ इन्होंने इनर प्रोवाइड किया है एंड इनर अभी तक आप देख सकते हैं मैंने ओपन नहीं किया है। ब्लैक कलर में आपको इनर मिल रहा है, अगेन ये कॉटन के फैब्रिक में इनर है तो आप समर में इजिली स्टाइल कर सकते हैं एंड इनर की साइज भी देखिए काफ़ी अच्छी खासी है, लेंथ भी काफ़ी अच्छी है एंड क्वालिटी मतलब फैब्रिक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रखी है। तो अगर मैं ऑनेस्टली डिटेल में बताऊं तो मुझे ये कुर्ती बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, मतलब इसका लुक भी आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा निकल रहा, अच्छे से एक्सेसराइज करके आप किसी भी पार्टी में, फेस्टिवल में या किसी भी फंक्शन में स्टाइल कर सकते हैं। मुझे इस कुर्ती को रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि रीज़न आप मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कुर्ती मुझे डिफेक्टिव पीस में रिसीव हुई, बट ट्रस्ट मी गाइस क्वालिटी लुक और जो स्पेशली एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया है वो बहुत ही प्यारा है। तो पसंद आता है तो जरूर बाय कीजिएगा एंड अगर मेरे जैसे निकल जाती है तो बिना दोबारा सोचे उसे रिटर्न भी कर दीजिएगा। अगेन आपको एक अनारकली कुर्ती दिखा रही हूँ, ये मुझे 450 के अप्रॉक्स मिली थी, इसका भी फैब्रिक जॉर्जेट का है, बहुत ही प्यारी कुर्ती है। अगेन ये देखिए इस तरह से आपको राउंड नेक मिलेगा एंड योग पे आप देखिए पूरा आपको चिकनकारी वर्क मिलेगा, फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी की गई है, मतलब बहुत ही सफाई से काम किया गया, कोई भी थ्रेड कहीं से नहीं निकल रहा। ये भी एक अनारकली कुर्ती है एंड इसके वेस्ट के बाद से आप देखिए इसमें इस तरह से आपको पूरा वर्क मिलेगा। मैं एक बार पास से दिखा रही हूँ, यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे प्लेट्स की डिटेलिंग बनाई है, मतलब वो कलियाँ दे दे के स्टिच किया है जिसकी वजह से इसका घेरा काफ़ी अच्छा आ रहा है एंड पूरे कुर्ती पर आपको इस तरह से वर्क मिलेगा, पूरा चिकनकारी वर्क है, फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, कहीं से भी कोई थ्रेड नहीं निकल रहा एंड लास्ट इंड पे आपको इस तरह से बॉर्डर मिलेगा। स्लिप की बात करूँ तो 3/4 लेंथ की स्लिप है, स्लिप पे भी आप देख सकते हैं ऑल ओवर आपको इस तरह से वर्क मिलेगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में इन्होंने वर्क प्रोवाइड किया। बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड इतनी दूर प्लेन है, उसके बाद सेम अगेन वही डिटेलिंग है जो इन्होंने फ्रंट साइड में प्रोवाइड किया। घेरा की बात करूँ तो आप देखिए लगभग 1 मीटर मिल रहा है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग इन्होंने इसका फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखा है। कुर्ती में भी सेम वही कंडीशन है जो इससे पहले मैंने आपको एक अनारकली अंगरखा पैटर्न वाली दिखाई थी, इसमें भी आपको इनर जो है बस यहीं तक मिल रहा है, इसके बाद ये पूरी कुर्ती प्लेन होने वाली है। तो आपको या तो अंदर सेम कलर का इनर डालना पड़ेगा या आप इनर नहीं पहनना चाहते हैं तो आप इसे प्लाजो के साथ स्टाइल करेंगे या किसी लूज पैंट के साथ स्टाइल करेंगे तो बिल्कुल भी ऑड नहीं फील होगा, बट हाँ अगर आप लेगिंग या जैगिंग के साथ स्टाइल कर रहे हैं तो आपको अंदर इनर डालना पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी गाइस प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी भी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, कलर लुक वर्क सब कुछ बहुत इन्होंने अच्छा प्रोवाइड किया है, आप क्लिप में देख सकते हैं कि कैसा लुक आ रहा है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट है, पसंद आता है तो जरूर बाय। बहुत ही प्यारी सी रेड कलर में कुर्ती दिखा रही हूँ, वैसे आपको इसमें एक बेबी पिंक कलर का, मरून कलर का या अदर कलर के भी
ऑप्शन मिलेंगे। ये भी 400 के अप्रॉक्स था, बट अगेन ये कुर्ती बहुत ही प्यारी है। जॉर्जेट का फैब्रिक है, प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी है। इस तरह से राउंड नेक मिलेगा, छोटा सा की होल मिलेगा एंड पूरी कुर्ती पे आपको बहुत ही खूबसूरत सा एम्ब्रॉयडरी या मैं कहूँ चिकनकारी वर्क एंड साथ ही सेम कलर के ट्रांसपेरेंट सिक्वेंस का वर्क दिया है। आप देखिए कुर्ती जब मैं ऐसे कर रही हूँ तो बहुत ही अच्छी इसमें साइन आ रही है, पूरा झिलमिल वाला लग रहा है। तो पूरी कुर्ती में आपको ट्रांसपेरेंट सीक्वेंस का वर्क मिलेगा एंड सेम कलर के थ्रेड से इन्होंने पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया है। पूरा हैवी जाल वर्क आपको मैं कहूँ तो मिलेगा पूरी कुर्ती पे, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप इस कुर्ती को भी अच्छे से एक्सेसराइज करके छोटे मोटे पार्टी या फंक्शन या फेस्टिवल में स्टाइल कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी कुर्ती है, कोई भी थ्रेड कहीं से नहीं निकल रहा। इनफैक्ट जो सीक्वेंस वर्क लगा है उसकी भी स्टिचिंग काफ़ी अच्छी की है, कहीं से भी कुछ भी नहीं निकलने वाला। 3/4 लेंथ की स्लीव है, स्लीव के लास्ट इन पे भी आप देखिए पूरा सीक्वेंस वर्क एंड जाल वर्क का एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा आगे पीछे दोनों साइड में। स्ट्रेट कट में कुर्ती है, दोनों साइड में आपको अच्छा खासा स्लीव मिल जाएगा। बैक साइड से ये पूरी कुर्ती प्लेन है एंड ये कुर्ती बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होने वाली क्योंकि अंदर की साइड इन्होंने इनर लगाया है। तो इस कुर्ती को आप व्हाइट कलर या येल्लो या ग्रीन या ब्लैक किसी भी कलर के लेगिंग ट्राउजर प्लाजो के साथ स्टाइल कर सकती हैं, साथ में मैचिंग या कंट्रास्ट कलर की चुन्नी भी पेयर अप कर सकती है। बहुत ही प्यारा लुक निकल के आ रहा है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो इस कुर्ती का मतलब वर्थ बाइंग है, एकदम पैसा वसूल कुर्ती है। तो पसंद आता है तो हाईली रिकमेंडेड है। वैसे आप क्लिप में देख ही सकते हैं कि स्टाइल करने पे लुक कैसा निकल के आ रहा है। यही था मेरा आज का चिकनकारी कुर्ती एंड कुर्ता सेट का हॉल। आई होप आपको आज का मेरा कलेक्शन जरूर पसंद आया होगा क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि बहुत ही सस्ते एंड अफोर्डेबल रेंज में, एंड ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल रेंज में बात की है तो एकदम घटिया क्वालिटी की चीज़ें दिखाई हैं। बहुत ही अच्छी हैंड एम्ब्रॉयडरी चिकनकारी वर्क की कुर्तियाँ एंड कुर्ता सेट मैंने आपको कोशिश की है दिखाने की। आपको मेरा आज का कलेक्शन जरूर पसंद आया होगा एंड वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।